नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि आपका लाइक आपका शेयर हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है और हम आपसे उस एनर्जी की अपेक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रखा है, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। दोनों बहुत अच्छे से हमने देख रखा है। पिछले वीडियो लेक्चर में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास को। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। है क्या ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ना बना सके, दूसरों पर डिपेंड हो फूड के लिए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड होते हैं किस पर? दूसरों पर, एक्सटर्नल सोर्स पर। आता कौन है इसमें? बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ आता है, फंजाई आता है, एनिमल आता है, उसी एनिमल में हम आते हैं, आप आते हैं, जितने भी अदर एनिमल हैं वो सब इसी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। जैसे आपका डॉग, रैट, काऊ, बफेलो, लायन, डियर, ये सब किस में आते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, क्योंकि ये फूड बनाते नहीं हैं, ये दूसरों से फूड लेते हैं। फूड बनाना ये तो सिर्फ प्लांट का काम है, फूड को सिंथेसाइज करना ये सिर्फ प्लांट का काम होता है। प्लांट ही सिर्फ फूड को सिंथेसाइज करते हैं, हम बनाते नहीं, हम तो उनसे लेते हैं और पकाते हैं और खा लेते हैं। ये भाई साहब, हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जैसे एक एग्जांपल लिया, ये अपने शेर खान भाई साहब हैं। कौन है? शेर खान। इन्होंने, इनसे दोस्ती कर रखी है। किसने? इनसे दोस्ती अपने ये हिरन भाई साहब में। देखना तुमको ये दोस्ती महंगी पड़ेगी, तुम्हारी भैंस पानी में जाएगी। शेर खान भाई साहब जब तुमको खाएंगे ना, तुमको पता चलेगा कि ये भाई साहब कार्निवोर हैं, देखे नहीं तुम्हें कि खा जाएंगे, जितना दोस्ती किया तुम्हारी भैंस जाएगी पानी में, देखना तुम। चलो देखते हैं शेर खान भाई साहब को, अभी आगे मिलेंगे इन डियर से। अब इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कितने पार्ट डिवाइड करते हैं? तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम पांच पार्ट में डिवाइड कर लें। कितने पार्ट डिवाइड कर लें? चलो पांच पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफिटिक, तीसरा पैरासिटिक, चौथा फोर्थ इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट डिवाइड कर दिया? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने पांच पार्ट डिवाइड कर दिया। वन बाय वन सबके बारे में हम देख लेते हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे सबके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन है क्या। कुछ नहीं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो फूड के लिए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है पूरी तरह फूड के लिए, उसे पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट जिससे फूड लेता है वो होस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम अपने फादर पर डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। वैसे हमारा पेरेंट्स, हमारा और हमारे पेरेंट्स का रिलेशन ऐसा नहीं है, पैरासाइट हम नहीं है, आप भी पैरासाइट नहीं है, बट एक एग्जांपल अपने को तो समझना है। सपोज हम अभी अपने फादर पर डिपेंड है पूरी तरह, हम उनसे पैसे के लिए भी डिपेंड हैं, हम उन पर फूड के लिए भी डिपेंड हैं। तो हम क्या हुए भाई? सभी बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, जबकि ऐसा हमारा रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन तो अगर आप चाहें तो सिम्बायोटिक कह सकते हैं, बट हमारा रिलेशन, हमारे माँ बाप का और हमसे रिलेशन पैरासिटिक नहीं है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। सपोज हम
अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है फूड के लिए, तो हम क्या हुए, पैरासाइट हुए, और वो क्या हुए, हमारे होस्ट हुए, क्योंकि वो हमें फीड कर रहे हैं, वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो फूड के लिए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए, उसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट हमेशा अपने होस्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बिकॉज दे कॉज डिजीज इन द होस्ट, क्योंकि वो जिस होस्ट से फूड लेते हैं, क्योंकि जो पैरासाइट जिससे फूड लेते हैं उस पर डिजीज कॉज करते हैं, तो हमेशा नुकसानदायक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे हमने ले रखा है, ये देखें भाई साहब, ये अमर बेल है, कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, देखो पूरी जाल की तरह ये फैला हुआ है, कैसे इस प्लांट पर देखिए पूरी जाल की तरह ये फैला हुआ है, कैसे तरह पूरी जाल की तरह ये फैला हुआ है, ये क्या है, कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, ये इसका बॉटेनिकल नेम है, आप इसको अमरबेल कहते हो, क्या कहते हो, अमरबेल कहते हो। आप देखो गांव में पेड़ पर बिल्कुल जाल की तरह ये फैला रहता है अमरबेल, जिस प्लांट पर ये रहेगा उसी प्लांट से फूड ऑप्टेन करेगा, उसी प्लांट से न्यूट्रिशन ऑप्टेन करेगा। जब प्लांट डेड हो जाएगा तो ये भी डेड हो जाएगा, ये जिस प्लांट पर रहेगा उसी में डिजीज कॉज करेगा, उसी को नुकसान पहुंचाएगा। और भी एग्जांपल है, जैसे आप टिक्स देख लो, जैसे आप लीच देख लो, हाँ भाई साहब तुम्हारी भैंस जब पानी में जाती है ना, तो यही लीच भाई साहब उससे ब्लड को शक करते हैं, चूसते हैं, ये लाइस तुम्हारी ये सर पे जो रहती है ना, ये भी पैरासाइट है, कैस्क्यूटा, ये अमरबेल, ये तो पैरासाइट आपने देख ही लिया। ये देखो कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा हमने आपके लिए ले रखा है, कैसे पूरे प्लांट पर एक जाल की तरह देखिए ये फैला हुआ है, पूरे जाल की तरह ये फैला हुआ है, पैरासाइट है, जिस प्लांट पर ग्रो करेगा उसी प्लांट पर पूरी तरह फूड के लिए डिपेंड होगा, उसमें डिजीज कॉज करेगा, उसके लिए हार्मफुल होगा। और क्या, लीच भाई साहब मिल गए, हाँ देखो कैसे ये तुम्हारे ब्लड को शक कर रहे हैं, क्या शक कर रहे हैं, ब्लड शक कर रहे हैं, ब्लड को चूस रहे हैं, कैसे तुम्हारे हाथ में स्किन पे ये चिपक गए हैं, और ब्लड देखो ना शक कर रहे हैं, पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट है, लीवर फ्लक, ये सकर्स हैं इसके, इसी सकर्स के द्वारा तुम्हारे लीवर में ये पकड़ लेता है और फ्लक करता है, पैरासाइट है ये जो हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट रहता है। और क्या, टीनिया सोलियम, भाई साहब ये देखो ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसीलिए तुम्हें कहता हूँ कि सब्जियाँ वगैरह जो भी खाया करो धुल के खाया करो, क्योंकि अगर ये टीनिया सोलियम तुम्हारी बॉडी में चला गया तो समझ ले इंटेस्टाइन को अपना घर बना लेगा। देखो कैसे भरा हुआ है ये, देखो कैसे ये, देखो ना दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है क्या, ये देखो ये कैसे ये पूरे इंटेस्टाइन में ये पूरा भरा हुआ है, पूरे इंटेस्टाइन में ये भरा हुआ है, कौन, टीनिया सोलियम टेपवॉर्म कहते हैं, इसमें से एक हमने ये निकाल रखा है व्हाइट, ये देखो एक हमने ये निकाल रखा है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में ये एज अ पैरासाइट रहता है और डिजीज कॉज करता है, क्या, टीनिएसिस डिजीज कॉज करता है, क्या कॉज करेगा, टीनिएसिस डिजीज कॉज करता है, इट कॉज टीनिएसिस, और हेडक होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, और भी ढेर सारे सिम्टम्स होंगे अगर ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट होगा तो भाई बच के रहना इस टीनिया सोलियम से, टेपवॉर्म से, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर चला गया तो तुम्हारे इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट रहेगा और टीनिएसिस डिजीज कॉज करेगा। एक और एग्जाम्पल हमने ले रखा है एस्कैरिस, ये भी एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये एज अ पैरासाइट रहता है और एस्कैरिएसिस डिजीज कॉज करता है, क्या कॉज करता है, एस्कैरिएसिस डिजीज कॉज करता है, देख ले भाई साहब कितना अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारे इंटेस्टाइन में चले जाते हो तो डिजीज कॉज करते हो, इसलिए तुमसे हमारी दोस्ती नहीं रही अब, हाँ तुमसे दोस्ती नहीं रही। अब आते हैं किस पर, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पर, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे गले चीजों से फूड ऑब्टेन करे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द न्यूट्रिशन इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करे, उसे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तुम्हारे लिए हमने ले रखा है क्या, एगारिकस,
कैसे ये देखो प्लांट में उगा है, इसे एगरिकस कहते हैं। जहां भी सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा ये वहीं पर ग्रो कर जाएगा। जैसे जहां लकड़ियां सड़ी रहती हैं ये एगरिकस मशरूम, गांव में तो इसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये वहीं पर ग्रो कर जाएगा। गोबर वगैरह जहां सड़े रहेंगे वहां पर ये आपको देखने को बड़े आसानी से दिख जाएगा। ये देखो हमने तुम्हारे लिए भाई साहब बड़े अच्छे अच्छे एगरिकस ले रखे हैं, कैसे ये सड़े गले चीजों पर ग्रो कर रखा है। यहां भी ये एगरिकस है जो ग्रो कर रखा है। और क्या एग्जाम्पल है इसके, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड ले, द न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन या इनटेक सॉलिड फूड, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सॉलिड फूड को खाए उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड लेगा उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोग सॉलिड फूड तो खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये जितने दिख रहे हैं सब होलोजोइक हैं। ये अपनी एलिफेंट भाई साहब सॉलिड फूड खाते हैं, ये भी सॉलिड फूड, काउ बफेलो सब सॉलिड फूड खाते हैं, एनिमल्स जितने हैं सॉलिड फूड खाते हैं, इसलिए एनिमल्स जितने हैं होलोजोइक में आएंगे। याद रखिएगा आप ये बात। ये देखिए शेर खान भाई साहब आ गए, कहा था इनको कि शेर खान से दोस्ती किया तो भैंस पानी में जाएगी, इन भाई साहब को बोला था लेकिन ये बात माने नहीं डियर भाई साहब अपने। और ये देखो खा गया इनको, क्या खा गया इनको शेर खान अपने, होलोजोइक थे ना इसलिए खा गए, सॉलिड फूड देखा तो खा गए शेर खान, खा गए भाई साहब, है ना। कहा था इस शेर खान से दोस्ती मत करना। ये भी क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। काउ डियर गोट सब क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। आते हैं इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन पे, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से न्यूट्रिशन ले, ऐसे न्यूट्रिशन को हम इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट। कलर बदल लो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिवरस। इंसेक्ट से फूड ऑब्टेन करे ऐसे न्यूट्रिशन को हम इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मैंने पिचर प्लांट ले रखा है, वेनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट होता है, वेनस फ्लाई होता है, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, इंसेक्टिवरस का। ये देखें ये बॉडी है पिचर प्लांट की, देखें ये बॉडी, ये जो देख रहा है ना सांप के जैसी जो फन देख रहा है इसको कहते हैं लिड। क्या कहते हैं, लिड। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस बॉडी के इस माउथ के अंदर जाएगा इसमें पूरा डाइजेस्टिव जूस भरा रहता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड भरा रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा ये लिड ढप से बंद हो जाएगा और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगा और फिर उससे ये न्यूट्रिशन लेगा। देखो कैसे सांप की तरह ये फन फैलाए बैठा है, इंतजार करा कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा और हम क्या कर लेंगे, माउथ को बंद कर लेंगे उसके आगे का काम। तो इस बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा है, डाइजेस्टिव फ्लूइड, डाइजेस्टिव फ्लूड जो भरा हुआ है वो डाइजेस्ट कर ले जाएगा। और क्या, ये देखो वेनस फ्लाई, क्या है वेनस फ्लाई, फंस गया जाल में इसके, क्या फंस गया जाल में इसके वेनस फ्लाई के। कितना ट्रैपिंग मैकेनिज्म कितना अच्छा है, देखिए जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आया तुरंत ये बंद हो जाएगा, क्लोज कर लेगा और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा जो इस इंसेक्ट को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर देगा। ये भी एक इंसेक्टिवरस का क्या है, एग्जाम्पल है, कौन, वेनस फ्लाई, फंस गया आज ये और डाइजेस्ट कर लेगा। अब आते हैं किस पर, सिंबायोटिक रिलेशनशिप या सिंबायोटिक एसोसिएशन। ये सिंबायोटिक एसोसिएशन या सिंबायोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। एनऑर्गेनिज्म, क्या लिखा है मैंने, एनऑर्गेनिज्म मेडअप ऑफ अ फंगस एंड ग्रीन एल्गी इन सिंबायोटिक रिलेशनशिप, जिसका एग्जाम्पल लाइकेन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, लाइकेन।
तब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लाइकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगस और ग्रीन एल्गी साथ साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं। फंजाई फूड नहीं बना सकता, इसलिए वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, शेल्टर देगा किसको, एल्गी को। एल्गी फूड सिंथेसाइज कर सकता है लेकिन वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो फंजाई क्या करेगा, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा, एल्गी क्या करेगा, फूड सिंथेसाइज करेगा और फंजाई को देगा, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आप याद रखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव विथ ईच अदर एंड बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। एग्जाम्पल जैसे लाइकेन, इस लाइकेन में फंजाई और एल्गी दोनों साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं, फंजाई और एल्गी दोनों साथ साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, फंजाई और एल्गी दोनों साथ साथ रहेंगे इस लाइकेन, ये लाइकेन का स्टेम देख रहे हैं आप, इस लाइकेन के स्टेम में फंजाई और एल्गी दोनों रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।